मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर आने वाले फैसले को लेकर पूरे देश में किसी भी तरह से माहौल ख़राब ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन और शहर के जिम्मेदार लोगों से किसी भी पक्ष में फैसला आए इसका सम्मान करने का संदेश दे रहे हैं। इसी तरह आज मुमरा के साहिल होटल में कुल जमात के उलमा इकराम और एनसीपी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो भी फैसला आएगा लोग उस फैसले का सम्मान करें और किसी भी तरह के अफवाह या फिर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें। सभी लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करें, चाहे वो फैसला किसी भी पक्ष में हो। खासकर फैसला आने के बाद कोई भी पक्ष पटाखे ढोल बजाकर जश्न न मनाए, सभी एक दूसरे का सम्मान करें। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन युवाओं को भी कहा गया जो हमेशा सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, इन्हें हिदायत दी गई कि ये सोशल मीडिया में कोई भी ऐसा पोस्ट ना करें जिससे शहर का माहौल ख़राब हो। साथ ही उन्हें सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा पोस्ट दिखे जिसमें शहर का माहौल ख़राब हो तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुल जमात के उलमा इकराम और एनसीपी पार्टी के पदाधिकारियों ने क्या कहा है। बाबरी मस्जिद के मुकदमे की फरीके अव्वल है। सबसे पहले मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है वो जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से दायर किया गया है और बहुत ही एहतमाम के साथ उसको लड़ा गया है। और हमारे जो जमीयतुल उलमा के वकील हैं डॉक्टर राजीव धवन साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत ही कायदे से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानूनी लड़ाई लड़ी है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। और कानूनी एतबार से, उनके दलीलों के एतबार से और जो शवाहिद उन लोगों ने पेश किया है उनके शवाहिद के एतबार से फ़ैसला तो अपने हक़ में अल्लाह ताला चाहेंगे तो आएगा। लेकिन देखिए, ये मुल्क हमारा है, कानून हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हमारा है, वकला हमारे हैं, तमाम के तमाम जज हमारे हैं। हम उनके ऊपर एतमाद करते हैं, अपने मुल्क के कानून पर एतमाद करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारे बरअक्स भी फैसला हुआ तो हम अवाम से अपील करते हैं। हमारे बड़ों का ये कहना है, ख़ासकर जमीयतुल उलमा के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम, उन्होंने कहा है कि फ़ैसला जैसा भी आए हमको अमन व अमान बनाए रखना है, कोई लड़ाई ना हो, कोई फितना ना हो, हमारे नौजवान मुश्तइल ना हो, हमारे बच्चे मुश्तइल ना हो, हमारे बुज़ुर्ग मुश्तइल ना हो, हमारी औरतें मुश्तइल ना हो, सब चैन सुकून से रहें और अल्लाह से दुआ करें कि इस मुल्क के अंदर फितना फसाद ना हो, क्योंकि इस मुल्क में हमको रहना है, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के अंदर हमारी पैदाइश है, इस मुल्क के अंदर से हमारे बुज़ुर्गों की खुशबू, उनके जिस्म की खुशबू आती है। अगर ये मुल्क ही बर्बाद होगा तो हम और आप रह नहीं सकते हैं। ये मेरी दरख्वास्त है मुमरा के लोगों से, ख़ासकर मुमरा के लोगों से और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि अगर फैसला आता है हमारे हक़ में आता है तो भी, हमारे हक़ में नहीं आता है तो भी, हर एतबार से मुल्क के अमन व कानून को हमको बनाए रखना है, किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी हमें नहीं करना है। क्योंकि इस्लाम ईद को मनाने के को लेकर के वो ऐसी तालीम देता है कि जब भी तुम्हें खुशी का मौका आए तुम ईदगाह जाओ और वहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर हमारे हक़ में भी बाबरी मस्जिद का कोई फ़ैसला आता है मुसलमानों के हक़ में तो हमें शुक्र अदा करना है, और अगर हमारे अंदर कोई तकलीफ़ आए तो हमको इस्तिस्का पढ़ने के लिए, अल्लाह से दुआ मांगने के लिए कि हम अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह तबारक तआला हमारे ऊपर रहमत नाजिल करें। ये हमारे यहाँ वसूल है। हमारे यहाँ वसूल ये नहीं है कि अगर हम किसी मामले में जीत गए या हमको कामयाबी मिल गई तो हम रोड पर जाएँ, जश्न मनाएँ, ढोल ताशे बजाएँ, फुलझड़ी छोड़ें या फटाखे छोड़ें, ऐसा इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। तो बाबरी मस्जिद के को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा अब मुकदमा चल रहा है, बाबरी मस्जिद तो टूट गई, ये 400 साल से बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद टूट गई, अब उसके आराजी को लेकर के, जगह को लेकर के जो मुकदमा चल रहा है उसमें राजू धवन साहब ने जो अपनी दलीलें दी हैं, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि अगर इंसाफ, अदलिया ने इंसाफ से काम लिया और इंसाफ किया तो इंशाल्लाह हक में हमारे ये फ़ैसला आ सकता है।
तो और अगर हमारे हक़ में फैसला नहीं भी आया तो हमें किसी किस्म से रिएक्शन नहीं करना है, किसी किस्म से अपने रोड पर जा कर के ये हम तमाम आवाम से और ख़ास तौर पर मुमरा के आवाम से अपील करना चाहेंगे। कोई भी मामला हो, जैसे अभी जो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो मामला पेश है, हम यहाँ की अदलिया पर ट्रस्ट करते हैं, एतिमाद करते हैं और जो भी फैसला होगा हमें उसे मानना चाहिए। और मैं यहाँ एक बात ये कहूँगा कि जो दीन पसंद लोग हैं, चाहे वो मुसलमानों में से हों या गैरों में से, उनसे हमें दर्रा बराबर भी कोई मलाल और ख़तरा हरगिज़ नहीं है। और उनकी तादाद जो लोग इसमें किसी ना किसी तरह से जो लोग मुलविस हो सकते हैं और यहाँ मुल्क के हालात को बिगाड़ सकते हैं, उनका तनासुब इस मुल्क के अंदर बहुत मामूली है। जो है वो जो दीन जानने वाले हैं अपने में से या दूसरे लोगों में से, वो लोग कभी भी इन तमाम चीज़ों के अंदर उलझने वाले हरगिज़ नहीं हैं। हमें कंट्रोल उन लोगों को करना है जो लोग दीन नहीं जानते हैं। फैसला जो भी आए उस पर हमें मानना है। और मैं कहता हूँ यहाँ के जो भी जज हैं, हमारे नबी ने भी कहा था कि अगर मैं कोई फ़ैसला करता हूँ तो गवाहियों की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर करता हूँ, हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो कोई आदमी ये ना मान ले कि नहीं हमने गलत फैसला किया। यहाँ के जज जो फैसला करेंगे, हर मुसलमान को उसे मानना चाहिए कि वो फैसला है शवाहिद की बुनियाद पर, दलीलों की बुनियाद पर वो फैसला होगा और उसे हर आदमी को मानना चाहिए कि नमस्कार, मैं राजन किने, जो 17 तारीख को माननीय न्यायालय का फैसला आने वाला है बाबरी मस्जिद राम मंदिर पर, उस फैसले का जो भी ये होगा, जो भी फैसला आएगा उसमें हमारे सभी धर्मों के, जो हमारे हिंदू मुस्लिम खास करके धर्मों के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि ये जो फैसला आएगा उसको माननीय न्यायालय के माध्यम से आने वाला है। और ये भारतीय जनता है, जो हमारे देश की जनता है, वो न्यायालय का आदर करने वाली जनता है। तो मैं हमारे सभी जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो न्यायालय का फैसला आने वाला है उसको आप सम्मान दो। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के ऊपर फैसला आने वाला है, मुमरा कोसा के नौजवानों से, मुमरा कोसा के आवाम से, हम सभी लोग, सभी उलमा, सभी तंजीम और सभी पॉलिटिकल लोगों ने अपील भी की कि हमारे शहर में, हमारे देश में शांति रहना चाहिए। और हम लोग यही अपील दोबारा कर रहे हैं, ये नौजवानों से ख़ास तौर से अपील है कि सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ आती है तो उसे फॉरवर्ड ना करें। कोई भी हमारे शहर का वातावरण ख़राब करने वाली चीज़ आती है तो अपने बड़ों को बताएं, डिपार्टमेंट को बताएं। फैसला 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का आएगा। फैसले में चाहे बाबरी मस्जिद के सपोर्ट में हो, चाहे राम जन्मभूमि के सपोर्ट में हो, दो में से एक ही फैसला आएगा। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तमाम देशवासियों को इस बारे में बताना चाहता हूं कि फैसला जो भी आए अदालत का, उसे हमें कबूल करना चाहिए। मुमरा कौसा कलवा के तमाम उन सोशल मीडिया के नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं, अपील करता हूं कि आपके तरफ से कोई ऐसी बात ना हो कि कल के डेट में ये मैसेज जाए कि मुमरा कौसा से कोई गलत मैसेज आया है, कोई भड़काऊ बातें आई है। कतई ऐसा ना जाए, बल्कि अगर आप मैसेज दे सकते हैं तो आप मैसेज ज़रूर ये दें कि अमन शांति बनाए रखें, हमें अदालत के फैसले का हम इस्तकबाल करते हैं, अदालत के फैसले को हम मानते हैं। आपको बता दें कि मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर्ण ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देश में अमन और शांति बनी रहे, इसलिए पूरे देश में लोगों से अपील की जा रही है और लोग भी जागरूक हैं और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।